बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैरागॉन टावर बी के पोजेशन का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त मैं साइट पर मौजूद हूँ। बड़ा शानदार इवेंट किया गया जिसकी सरबराही जो ग्रुप है चेयरमैन पैरागॉन उन्होंने किया, आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जो कि CEO हैं पैरागॉन डेवलपर्स की, मैडम अनम। मैडम आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम मैम। एक और ख्वाब जो है उसकी ताबीर हो गई है, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी का भी मौका है, फख्र का भी मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने ये टावर ए की पोजेशन दी थी, वो बल्कि वक्त से पहले हमने पोजेशन दी थी, और ये अब हमारा टावर बी भी मुकम्मल हो चुका है। हमने इसकी भी पोजेशन अब से कुछ महीने पहले देनी शुरू कर दी थी, हमने तकरीब कुछ बाद अभी हमने की है। टावर ए और अब टावर बी, अब टावर बी में भी रेजिडेंट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह, और गेटेड कम्युनिटी है। इस पर मैंने बहुत दफा बात की है और बड़ा लोगों ने सराहा भी है। अच्छा, अब टावर सी को कब कब्जा दिया जाएगा? टावर सी को भी जल्द इसी साल के आखिर तक इंशाल्लाह। और जो टावर डी है उसका पोजेशन आप कब तक दे देंगे लोगों को, क्योंकि दोनों ही व्यूवर्स हैं हमारे, सी वाले भी और डी वाले भी, उनके लिए भी जरा पैगाम दे दें कोई। डी भी इंशाल्लाह उसके बाद, जिस तरह चेयरमैन ने भी अनाउंस किया, उसके भी चंद माह के बाद। मैम ये बताइए, एस्केलेशन चार्जेस लग सकते हैं टावर सी और टावर डी पर? नहीं, महंगाई जितनी भी हो अल्लाह ना करे, आप उसी प्राइस में देंगे इंशाल्लाह। कोशिश देखें इंशाल्लाह, हमने पहले भी कोई ऐसी चीज फोर्सी नहीं की थी। बिल्कुल ठीक है। हमने टावर ए पे भी यही किया कि बगैर एस्केलेशन के किया, हमने टावर बी की भी एस्केलेशन वेव ऑफ कर दी। जबरदस्त, जिंदाबाद। और इंशाल्लाह सी डी पे भी हमारा कोई इरादा नहीं है, अल्लाह ताला साथ दें, आप सब साथ दें, तो इंशाल्लाह। मैम आप ने जो काम आपकी टीम ने किया है वो काबिले तारीफ है कि बैरिया की मार्केट अप डाउन थी, मईशत हचकोले खा रही थी, लेकिन आप लोगों ने वक्त पर उसी क्वालिटी के साथ डिलीवर किया। मैं इसका बड़ा बहुत दफा इतराफ अपनी वीडियोज में कर चुका हूँ। अच्छा मैम, टावर बी में वन बेडरूम भी मौजूद है, अब क्या उनको जो पोजेशन है वो फुल पेमेंट पर ही मिलेगा या उनके लिए कोई पॉलिसी को रिलैक्सेशन है? नहीं, हम कर सकते हैं वो, हम केस टू केस बेसिस देखा जाता है। तो अब अगर कोई हमारे व्यूवर्स वन बेडरूम वाले हैं, वो देख रहे हैं, वो चाहते हैं कब्जा, लेकिन इस तरह के पॉलिसी मैटर्स पे यूजुअली मैं नहीं कमेंट कर रही होती, बट लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी जी ऐसा नहीं, जी जी अभी भी कुछ हैं लोग जो पोजेशन हासिल करके और साइड बाय साइड चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैम जब ना तकरीबात होती हैं, चेयरमैन साहब आते हैं, ये अमूमन पाकिस्तान या मुमालिक में रवाज है, वो ऐलानात करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज भी ये दो ऐलान हुए हैं, मस्जिद का और जिम का, क्या ये ऐलानात ही हैं, ये अमली शक्ल में हमें कब तक नजर आएंगे? आप मुझे बताइए, आपको हमारा यहाँ पे ये दो टावर्स खड़ा देख के आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह बिल्कुल, आप मस्जिद का ऐलान ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐलान कर दें और मस्जिद फिर ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी जगह भी डेजिग्नेटेड है, इस जगह पे ही हमारी मस्जिद आएगी इंशाल्लाह। मैम आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम ये दुआगो हैं नाज़रीन आप लोगों से भी कि पैरागॉन ने एक काम तो किया है, वक्त पर डिलीवरी और जो कहा था। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, मैं आपको बताऊं, जो हमने कमिट किया था, हमने सेंट्रल पार्क कमिट नहीं किया था। यस, पर आपने हमने वो दिया, तरीके हमने वो दिया, तो इस वजह से जो चीज हमने अगर मस्जिद कमिट की है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ना करें। और इंशाल्लाह यहाँ पे इतने रेसिडेंट्स होंगे तो आगे बाकी करीब में है मस्जिदें, लेकिन लोगों को कन्वीनियंस देखिए, रमजान में तरावी पढ़ सके, इस तरह की कन्वीनियंस बिल्कुल हम लेना चाहते हैं और बरकत होगी इंशाल्लाह। मैम आखिरी बात, हम वीडियोस करते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप बुकिंग करवाएं, आपको मैडम अनम की बदौलत और चेयरमैन साहब की यानी उनकी एक जबरदस्त ऑफर है कि जी आप सिर्फ बुकिंग दीजिए और आपको अपार्टमेंट का पोजेशन मिलेगा। अब जो हमने आज तक वीडियोस में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कहा हुआ आप लोगों ने यहाँ करके दिखाया है, वो टावर ए हो नाजरीन, टावर बी हो। अब नाजरीन को ये बता दें कि एज अ CEO आप इस ग्रुप की, कि पैरागॉन डेवलपर लेना कैसा है, क्योंकि आप CEO हैं, लेकिन असल हकीकत भी बता दें कि हम जो कह रहे थे वो कितना फीसद दुरुस्त साबित हुआ है। भाई जो हमने कमिटमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमिटमेंट पे तो हम पूरा ही उतरे हैं, उससे बल्कि आगे बढ़ के हमने कोशिश की है। छोटी से छोटी चीजें, जिस तरह हमने इवन अगर टावर ए में जो हमारा कोर्ट यार्ड है तो उसमें हमने छोटे बच्चों का प्ले एरिया किया था, टावर बी में हमने उससे एक डिफरेंट ओपन एरिया कर दिया उसको ओपन, क्योंकि मुझे यही महसूस हुआ कि बच्चे जो है वहाँ पे डेवलप चीजें, कुछ लोगों को बल्कि शायद लगा कि हमने जो है ना टावर ए से स्टेप बैक किया, वो उसका मकसद ये नहीं था, उसका ओपन एरिया बच्चे भाग दौड़ चाहते हैं खेलने के लिए, फिर वो प्ले एरिया जो किया वो और बड़े बच्चों के लिए किया। इसी तरह से हम डिफरेंट, एक में बैडमिंटन कोर्ट होगा, एक में टेनिस कोर्ट होगा, एक में डिफरेंट डिफरेंट चीजें सी और डी में भी, ताकि वो रेसिडेंट्स एक टावर के दूसरे में जा सके। बिल्कुल, क्या अभी भी बुकिंग पर कब्जा मिल जाएगा?
बुकिंग करवाएं, डाउन पेमेंट दें और कब्जा ले मिल सकता है जो पॉलिसी चल रही है इंशाल्लाह। जो चीज हमारी तरफ से कमिट होती है, अगर आपको ये ऑफर हमारी तरफ से है तो बिल्कुल हम वो बिल्कुल पूरा करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम कोई ऑफर निकालें और उसको ऑन ना करें। बिल्कुल जी नाज़रीन, मैं आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी भी बुकिंग पर आपको कब्जा मिल सकता है पैरागॉन डेवलपर्स में। हमारी टीम के नंबर आपके स्क्रीन पर, आप हमसे रابطہ कीजिए और इस गेटेड कम्युनिटी में खुद को रेजिडेंट बनाइए।